हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, 4.2। 4.2 एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है, मींस बनानी है। कैसी? LIFT। क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास? LIFT। उसके अंदर गिवन में क्या है? एल आई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आई एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, टी एल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, एल एफ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड आई टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे। देखो हमारे पास एल आई एफ टी, एक रफली फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक हमारे पास एल आ जाएगा, एक आई आ जाएगा, एल और यहाँ आई आ जाएगा, ऊपर कोई ना कोई एफ आएगा और इधर कोई ना कोई टी आएगा। हमारे पास ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने। अब देखो एल आई हम कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एल आई, हमने एल आई को कितना ले लिया? 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया एल आई 4 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है? एल आई हो गया। अब आई से जो एफ है, अगर उसके डिस्टेंस दे रखी है कितनी? 3, तो हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और कितने पे कट लगाएंगे? 3 सेंटीमीटर पे हम कंपास उठाएंगे और 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। 3 सेंटीमीटर ओपन करके आई से हम कट लगाएंगे। इस तरह से हमने 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया और आई के ऊपर हमने रख के कट लगाया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ ई। उसके बाद एल, यहाँ पे L है और यहाँ पे I, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आएगा? F। अब देखो अगर L से F के लिए भी हमारे पास है, L से F कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो L से F के लिए कितना कंपास ओपन करेंगे? 4 से 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। L के ऊपर कंपास रखेंगे और ऐसे कट कर देंगे दोनों को, ठीक है। ये हमारा कितना था? 3 सेंटीमीटर। ये कट नहीं करता, इसको और बढ़ा देंगे हम थोड़ा सा आगे, ऐसे करके वापस इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये हमारे पास दोनों का कट कर गया, कट कर गया। तो अब हम किसको मिलाएंगे? आई से एफ को मिलाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आई से एफ, ये पॉइंट हमारे पास क्या आया? एफ। और ये हमारे पास यहाँ से जब हमने मिलाया था तो क्या था? ये था एल से एफ। ये हमारे पास कितना है? एल से एफ हमारे पास कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास एल आई एफ। अब एफ से टी दे रखा है आपको? एफ से टी नहीं दे रखा आपको, ठीक है। एल आई एफ टी, टी हमारे पास नहीं है। यहाँ अगर टी नहीं है तो इधर से एल से टी है आपके पास। एल टी हमारे पास कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो हम कितना ड्रॉ करेंगे? 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कंपास रख के 2.5 सेंटीमीटर पे कट लगाएंगे। देखो 2.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपके पास। 2.5 सेंटीमीटर एल के ऊपर रखेंगे और कट लगाया हमने 2.5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद आई से टी, आई और टी हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर हम 4 सेंटीमीटर लेंगे, कंपास ओपन किया हमने 4 सेंटीमीटर और आई के ऊपर रखेंगे और इस पर कट लगाएंगे। ये कट गया हमारे पास, इसका जो मिड है ये हमारे पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट को फिर हम यहाँ मिलाएंगे, कैसे? यहाँ से हमने इसको मिलाया ऐसे और इधर ये हमारे पास इधर मिलाएंगे तो हम क्या बन जाएगा? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? टी। और इसको जब हम मिला देंगे, ये भी हमारे पास क्या है? एक डायगनल से, ये भी गिवन था आपके पास, ये हमने ऐसे मिलाया, ये हमारे पास क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल एल आई एफ टी, जिसके अंदर एल हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर और आई एफ हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन नहीं है। एल टी हमारे पास कितना है? 2.5 सेंटीमीटर और ये कितना है? 4.5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। सभी के नाम मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपको बनाना था कि एल आई एफ टी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझ आया आपको। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है? देखो क्वाड्रिलेटरल जी ओ एल डी, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे और नाम क्या है उसका? जी ओ एल डी।
ओ एल इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, जी एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एल डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास सारी चीज़ें गिवन है। अब इनसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे, देखो पहले तो हमने रफली अगर ड्रॉ किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ओ एल ए डी। यहाँ मान लिया ऐसे हमारे पास कोई फिगर होगी, ये जी हो गया, ये ओ हो गया, ये ओ एल और ये डी, कहीं भी हम नाम ले सकते हैं जी ओ एल डी। ये हमारे पास जी पॉइंट है, ये ओ, ये एल, ये डी, ये हमारे पास आ जाएंगे चार पॉइंट। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, गोल्ड। अब इसमें से देखो ओ एल आपको दे रखा है, ओ एल कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि ये बड़ी है हमारे पास इसलिए हम इसी को लेके चल पड़े, सबसे पहले ओ डी तो क्या है, एक डायगनल, क्योंकि ओ और डी डायगनल हो जाएगा। तो हमारे पास ओ एल या फिर एल डी, एल डी हमारे पास कितना 5, ये भी कम है, और जी डी, जी डी 6 है, ये भी कम है, और जी ओ, जी ओ हमारे पास है ही नहीं। तो हमारे पास कौन आता है, ओ एल। ओ एल की लेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने सबसे पहले किसको लिया, ओ एल। ओ एल हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ओ एल कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में देखते हैं हम, ओ एल आपके पास गिवन क्या है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कंपास ओपन, सॉरी स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ किया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर, इसका नाम ओ है, इसका एल, 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो ओ से जी, ओ से जी जाएंगे, ओ से जी नहीं दे रखा, लेकिन एल से डी दे रखा है, एल से डी आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो एल से हम आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर के लिए, 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और एल के ऊपर रख के ऐसे कट कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या बनेगा, डी। अब ओ से डी दे रखा है आपको, ओ से डी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें कितना कट करना है, 10 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है और पॉइंट पे रख के हमें कट लगाना है। ओ के ऊपर रखेंगे हम, ओ हमारे पास ये है, ओ के ऊपर रख के हमने कट लगाया ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ओ से डी हमारे पास, एल से डी हमारे पास कितना था 5 सेंटीमीटर। इसको हम एक बार दोबारा से 5 सेंटीमीटर करेंगे ओपन, और ऐसे ओपन करके इसको हम आर्क को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कट कर दिया इसने, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, डी। इस पॉइंट को हम मिलाएंगे एल और डी को, ये हमारे पास L और D आ गया। अब D से हमारे पास यहाँ क्या आएगा, G, या तो हमारे पास जी डी दे रखा है, जी डी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ कंपास रख के 6 सेंटीमीटर की कट लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर का कट लगाओ। पहले हम इसको मिलाएंगे O से, हमारे पास क्या है, D। O से D को अगर हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया, एक डायगनल। अब हमारे पास D से G कितना है 6 सेंटीमीटर, जी डी हम 6 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करेंगे, ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, जी डी। यहाँ से हमने रख के कट लगाया जी डी के लिए 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास एल से जी दे रखा है आपको, एल से जी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसके लिए भी 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया और कट लगा देंगे। एल के ऊपर हमने रखा और इसको भी हम ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमने कट लगाया था ये कितने सेंटीमीटर का था, जी से एल, सॉरी जी से हमारे पास डी के लिए कट है, जी से डी भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर था। तो इसी को आगे बढ़ा देंगे हम ऐसे करके, ऐसे दोनों हमारे पास कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे दोनों ने कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, तो इस पॉइंट को हम दोनों को मिला देंगे। ये हमारे पास से ओ से मिला दिया, ये ओ से मिला दिया, और इसी पॉइंट को फिर हम किस से मिलाएंगे, डी से। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी, जी ओ एल ए डी, क्या बन गई, जी ओ एल डी। और क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगनल्स हमने ड्रॉ कर दिए, ये आ जाएगा आपके पास जी ओ एल डी, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें जो हमारे पास गिवन था, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास गिवन था उसको मेंशन कर देंगे। ये थे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल जी ओ एल डी ड्रॉ करना। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, थर्ड में हमारे पास क्या है, रोम्बस। रोम्बस क्या है, बी ई एन डी, रोम्बस हमें दे रखी है, एक बी ई एन डी, एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर बी एल इज इक्वल टू कितना है 5.6 सेंटीमीटर एंड डी ई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। जब हम रोम्बस ड्रॉ करेंगे तो रोम्बस का नाम क्या है, बी ई एन डी, बी मान लिए यहाँ है, ई और एन डी, ये हमने क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि बी ई, बी ई नहीं दे रखा,
अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है, ई एन हो सकता है वो भी नहीं है, एन डी वो भी नहीं है, और बी डी वो भी नहीं है। तो दोनों क्या दे रखे हैं, बी से एल, बी एल, ये हमारे पास बी एल नहीं आएगा बच्चे, बी एन आएगा हमारे पास, बी एन यहाँ आएगा, बी एन और डी ई। देखो बी एन और डी ई दोनों हमारे पास क्या हैं, इसके डायगनल्स दे रखे हैं। तो डायगनल्स दे रखे हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डायगनल्स की अकॉर्डिंग करेंगे। पहले हमारे पास डायगनल क्या है, बी एन, बी एन को ले लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक डायगनल है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर, उसको ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम डायगनल लेके चल पड़े हम 5.6 सेंटीमीटर के लिए। ये हमारे पास एक डायगनल है 5.6 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ किया, और इस डायगनल का नाम क्या है हमारे पास, बी एन। अब जो हमारे पास डायगनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कितने पे, 90 डिग्री पे। इट मीन्स 90 डिग्री के लिए अगर हमें करना है तो हम इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे। राइट बाई सेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो भी हमारे पास दी हुई है उसके लिए हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन कर लिया, एक बार ऊपर की साइड आर्क लगा दिया, एक बार इधर की साइड, ऐसे का ऐसे। फिर हम इसको जब बी के ऊपर रखेंगे तो इधर से ऐसे कट कर देंगे और इधर से ऐसे कट कर देंगे। ये हमारे पास कट कर दिया हम, फिर इन दोनों को, ये जो पॉइंट्स है आपके पास है, ये पॉइंट्स है, इन दोनों को हम मिलाएंगे। ये हमारे पास कितना है, और कितनी ड्रॉ करेंगे हम, 6.5 टोटल हमारे पास कितनी होगी, 6.5। तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ ये ड्रॉ किया। उसके बाद देखो 6.5 का भी हाफ होगा, तो 6.5 का अगर हम हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.25। हमें यहाँ से कट लगाना है कितने पे, 3.25 पे। मीन्स 3.2 लेके चल पड़ो हम नियरली, 3.2, ये हमारे पास 3.2 है। यहाँ पे रख के हमने इधर कट लगाया 3.2 का, ऐसे ही इधर रख के हमने इधर कट लगाया 3.2 के लिए। अब हम इन सब को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रिलेटरल। इसको मिलाया हमने यहाँ पे, फिर इसी तरह से जो बी है इससे हमने इसको ऊपर भी मिला देंगे, और ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस। से रोम्बस की कंडीशन क्या होती है कि रोम्बस की सभी साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, बट रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर और रोम्बस में यही चीज़ हमारे पास अलग है कि स्क्वायर के सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी, और उसके बाद हमारे पास क्या है, ई, और फिर N, और ये आ गया आपके पास से D। क्या बन गई, ये B E N D A के रोम्बस है जिसकी साइड सभी की सभी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, बट डायगनल्स हैं वो नॉट इक्वल। ये हमारे पास साइड्स हैं इसकी, और डायगनल्स कौन कौन है, B N और E D, ये हमारे पास उसके डायगनल्स हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। ओके, थैंक यू।